किसानों को किसान सम्मान निधि में मिलने में हो रही देरी को लेकर परेशान है किसान। बता दें कि और निधि मिलने में हो रही परेशानियों को लेकर भी कृषि विभाग ने रानी पोखरी ग्राम पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया है, जिसमें किसानों ने केवाईसी के साथ किसानों को पेंशन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि रानी पोखरी में ऐसे सैकड़ों किसान पिछले कुछ दिनों से किसान सम्मान निधि पेंशन न मिलने की वजह से परेशान थे। किसान इस समस्या का समाधान गांव में ही किया जा सके, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों ने शिविर का लाभ लिया है। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी सोहन पोखरियाल ने किसानों से डोईवाला कृषि कार्यालय में समय पर केवाईसी कराए जाने की अपील की है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जो है ना, अभी तक तो 40 लोगों को ही इसका लाभ मिल चुका है, जिनका ई केवाईसी और लैंड सीडिंग का होना है। उनसे कागज लिए जा रहे हैं और यहीं पे जो है उनका समाधान किया जा रहा है। रानी पोखरी पंचायत घर में हमने कोशिश की थी कि इस क्षेत्र का जो है, ये बड़ा क्षेत्र है, इनको जो है लोग डोईवाला नहीं पहुँच पाते, इसलिए आज प्रधान जी के माध्यम से भी हमने ये कैंप करवाया था। तो इसके जो है सभी किसानों को लाभ हो रहा है। अभी तक 2 बजे तक तो हम बैठे ही हैं, एक बजे तक 40 किसानों का अभी तक जो है समाधान हो चुका है, जो है समाधान किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही किसानों को, तो उसमें काफी समय से कुछ लोगों की पेंशन किसान सम्मान निधि नहीं आ रही थी, किस्तें नहीं आ रही थी, तो उसके लिए काफी जो किसान भाई परेशान थे, तो काफी समय से हमारी विभाग से वार्ता चल रही थी। तो उनके द्वारा आज यहाँ पर कैंप लगाया गया, जिसका हमने पूरे गाँव में कल अनाउंसमेंट भी कराया गया था और व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से सब लोगों को सूचित भी किया था। तो काफी लोग यहाँ पर आए हैं और उनका आज यहाँ पर समाधान भी हो रहा है। किसी का जो है आधार कार्ड अपडेट न होने के कारण, किसी की केवाईसी न होने के कारण कई दिक्कतें आ रही थी, तो उनको आज सबको यहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ लोगों को नई वो लगनी थी, तो उस पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है।